हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से वाइब्रोफोन का टोन प्ले किया जाता है कीबोर्ड पर, मतलब कि वाइब्रोफोन की टोन को प्ले करने का क्या सही तरीका है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्सपेक्टिव बता दूँ। जैसा कि हमारे कीबोर्ड में काफ़ी सारी टोन्स होती है एंड हर एक टोन को प्ले करने का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग तरीका होता है। इसी तरह से किसी भी टोन को हम सेम वेरिएशन में प्ले नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आप हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तो हारमोनियम को प्ले करने का एक अलग तरीका होता है, एंड इसी तरह से जब आप वाइब्रोफोन प्ले कर रहे हैं तो उसको प्ले करने का एक अलग तरीका होता है। जैसे कि मैं आपको वाइब्रोफोन का जो रियल पर्सपेक्टिव है, जो रियल तरीका है, वो मैं यहाँ पर आपको लाइव डेमो के साथ बताऊँ, एंड इसी तरह से आपको दूसरी टोन्स पर भी बताऊंगा कि क्यों हमें एक पर्टिकुलर टोन को उसी वेरिएशन में, उसकी एक अलग स्टाइल में प्ले करना जरूरी है। तो यहां पर अब मैं वाइब्रोफोन का टोन प्ले करूंगा। आपको इसे सही से नोटिस करना है कि एक्चुअल में किस तरह से वाइब्रोफोन को प्ले किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने सुना एंड देखा कि किस तरह से मैंने इस पर्टिकुलर वाइब्रोफोन की टोन को स्लोली एंड इसी तरह से सॉफ्टली यहाँ पर प्ले किया, मतलब कि जो इसका पर्टिकुलर वेरिएशन होता है प्ले करने का, उसमें मैंने यहाँ पर प्ले किया है। आपको एक छोटा सा डेमो बताया है, बट ये जो सेम पैटर्न है जो मैंने अभी वाइब्रोफोन में यूज़ की, वो मैं दूसरी टोन में यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं ये सेम पैटर्न को अगर हारमोनियम की टोन में यूज़ करूँगा तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा। आइए मैं उसका भी आपको डेमो बताता हूँ। तो यहाँ से मैंने हारमोनियम का टोन सिलेक्ट किया है। अब मैं सेम जिस तरह से मैंने वाइब्रोफोन को पैटर्न में प्ले किया था, अगर मैं वो पैटर्न में इसे प्ले करने जाऊँगा तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमने वाइब्रोफोन की पैटर्न यहाँ पर प्ले की ये पर्टिकुलर हारमोनियम की टोन में, तो ये जो प्ले करने का है तरीका वो पूरा बिगड़ गया, जो टोन है वो पूरी बिगड़ गई, साउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हर एक टोन को प्ले करने का एक अलग पैटर्न होता है, एक अलग तरीका होता है। तो अब मैं आपको हारमोनियम का रियल जो पैटर्न है वो आपको प्ले कर बताता हूँ, तो वो कितना स्वीट साउंड करता है आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने हारमोनियम को प्ले किया। बट अगर मैं सेम चीज़ को, मतलब कि सेम हारमोनियम की पैटर्न को अगर वापस से वाइब्रोफोन में प्ले करने जाऊँगा तो वाइब्रोफोन का टोन बिगड़ जाएगा। आइए इसे फिर से वाइब्रोफोन पे ट्राई करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वाइब्रोफोन की टोन में हारमोनियम की पैटर्न को प्ले किया तो वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हारमोनियम का जो वेरिएशन है, हारमोनियम की जो टोन है, उसका जो प्ले करने का अंदाज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी हम फिर से हारमोनियम को छोड़ के यहाँ पर वाइब्रोफोन पर आते हैं, वाइब्रोफोन की सही पैटर्न सीखते हैं कि आपको किस तरह से इसे अपने कीबोर्ड पर प्ले करना है। तो सिंपली जब भी आप वाइब्रोफोन को प्ले करते हैं तो पहले आपको कोई भी टोन प्ले करने से पहले उस टोन को समझना ज़रूरी है कि वो टोन क्या पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर हम इंडिया में बात करें तो वाइब्रोफोन ज़्यादातर लाइव शो में यूज़ किया जाता है, भजन वगैरह के लिए या फिर जागरण के लिए, स्टार्टिंग के लिए या फिर कोडिंग देने के लिए। तो ये एकदम सॉफ्ट टोन यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से आपको एक डेमो बताता हूँ वाइब्रोफोन का। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एकदम सॉफ्टली एंड इसी तरह से यहाँ पर स्लोली इस पर्टिकुलर टोन को प्ले किया। तो हर एक टोन का एक अलग अंदाज होता है, जैसा कि मैंने आपको फिर से बता दिया है स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पर मैं फिर से इस पर्टिकुलर टोन को प्ले करूँगा। आप यहाँ पर नोट करिए कि किस तरह से मैंने इस पर्टिकुलर टोन को एक अलग पैटर्न में प्ले किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाइब्रोफोन की टोन को प्ले करने का कुछ इस तरह से अंदाज है, कुछ इस तरह से तरीका है। बेसिकली वाइब्रोफोन की टोन हम किसी भी सॉन्ग की स्टार्टिंग में प्ले करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई क्लासिकल सॉन्ग गा रहे हैं या फिर अगर आप कुछ क्लासिकल प्ले कर रहे हैं अपने सिंगर को स्केल देने के लिए, पर्टिकुलरली ऐसे टोन्स का यूज़ किया जाता है।
इसी तरह से आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, इस पर्टिकुलर पैटर्न को अपने कीबोर्ड पर ज़रूर ट्राई करिए एंड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये एक्सरसाइज हेल्पफुल हुई या नहीं। इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हारमोनियम से लाइव शो में कोडिंग किस तरह से दी जाती है। जैसे कि हम नॉर्मल कोड्स प्ले करते हैं वो कुछ इस तरह से प्ले करते हैं। बट जब आपको पर्टिकुलर स्केल पर अगर कोडिंग देनी है तो वो कुछ इस तरह से दी जाएगी। तो जब आप नॉर्मली इस वाइब्रोफोन की टोन को प्ले करते हैं तो आप रैंडमली अपनी कीज़ के साथ यहाँ पर खेल सकते हैं, अपने रैंडम वे में यहाँ पर इसे प्ले कर सकते हैं। बट जब आप कोडिंग दे रहे हैं तब आपको पूरा यहाँ पर कोड प्रेस करना है, जैसे कि हम नॉर्मली स्ट्रिंग्स में प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एक ही टोन में आपको कितने सारे वेरिएशन आप क्रिएट कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये आपको कुछ मैंने दो चीज़ें बताई कि किस तरह से आपको एक पर्टिकुलर टोन को एक अलग अंदाज में, एक अलग वेरिएशन में प्ले करना है, एंड इसी तरह से किस तरह इस पर्टिकुलर टोन में आपको कोडिंग प्ले करनी है एंड किस तरह से आप इसे अपने लाइव शो में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये टोन पसंद आई हो, ये पर्टिकुलर वेरिएशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी टोन्स पर ऐसा वीडियो चाहिए कि हम उस पर डिस्कस करें। कि जैसे कि वाइब्रोफोन की टोन हो गई, अब हम हारमोनियम को किस तरह से प्ले करें, ट्रम्पेट की टोन को, सैक्सोफोन की टोन को किस तरह से प्ले करें। जो भी टोन आप कमेंट करेंगे, जिसके भी कमेंट ज़्यादा होंगे, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।